ह्यूमन एवोल्यूशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है। आगे फ्यूचर में टेक एडवांसमेंट और रोबोट से कम्पीट करने के बहाने से इंसानों को आधे मशीन बना दिया जाएगा। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस विद एआई ट्रांसह्यूमनिज्म की सेकंड वीडियो। बताया था न्यूरलिंक क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। करंटली टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान के दिमाग में कंप्यूटर चिप इम्प्लांट करने के डेमोंस्ट्रेशन चल रहे हैं, जो सारी दुनिया को काफी बड़े शॉकवेव में डाला है, स्पेशली उन लोगों को जो ये टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। सिर्फ न्यूरलिंक ही नहीं, सभी ब्रेन चिप इम्प्लांट से इंसान के दिमाग को कंप्यूटर सुपर पावर मिल जाएगा, जहां इंसान की मेमोरी लिमिटलेस बन जाएगी और दिमाग में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस की मदद से कुछ भी नॉलेज डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकेंगे, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह। बहुत सी बीमारी एंटी एजिंग को क्योर करने के साथ ये इंसान को लंबी उम्र भी देगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। जब न्यूरलिंक या कोई भी चिप आपके दिमाग में डाला जाता है तो आपका दिमाग रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और आपके दिमाग को रीड भी किया जा सकता है कि आप कब और क्या सोच रहे हो। जब आप कुछ सोचते हैं तो न्यूरॉन्स मतलब आपके ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स फिट करे जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोड आपके न्यूरॉन्स में होने वाली हर सोच को रीड कर सकते हैं, जो सब रिकॉर्ड होते हैं। इससे आपकी याददाश्त से छेड़छाड़ किया जा सकता है, आपकी सोच को कंट्रोल किया जा सकता है और भी बहुत कुछ आपके दिमाग से किया जा सकता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, न्यूरलिस नाम के ब्रेन चिप को चूहों के दिमाग पर टेस्ट किया गया था और साइंटिस्ट सक्सेसफुल थे चूहे के दिमाग पढ़ने में। चाहे वो न्यूरलेस हो, न्यूरल डस्ट हो या न्यूरलिंक हो, ये सब वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं और दुनिया में ऐसी कोई भी वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हैक नहीं कर सकते या जिसमें वायरस इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। आजकल हैकर्स जैसे कंप्यूटर हैक कर रहे हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, वैसे ही फ्यूचर में आपके दिमाग को आपके चिप को हैक कर सकते हैं। आपका माइंड कंट्रोल दूसरे लोगों से होगा। दिमाग हैक होना मतलब आपकी सारी याददाश्त डिलीट हो जाना, कोई मेमोरी आपके दिमाग में नहीं रही तो आपको खुद का पता नहीं लग सकेगा कि आप हो कौन और आप डिजिटल डेथ के शिकार हो जाओगे। मतलब सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाओगे। ये रियलिटी अब कोई ब्लैक मिरर सीरीज से कम नहीं। वेलकम टू द डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर, जहां ह्यूमन इनह्यूमन हो जाएंगे। हर एलीट पर्सनैलिटी आपको कंट्रोल करना चाहती है। ये टेक्नोलॉजी इन लोगों को बहुत मदद करने वाली है। और भी नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इंसान अपने स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से कनेक्टेड रह के ऑलरेडी भूल चुका है अपनी सोशल लाइफ, असली दुनिया को और जो भी उनके आसपास हो रहा है। लोगों की खुशी भी डिजिटल हो चुकी है, जो उनके स्टेटस और पोस्ट के लाइक से मिलती है। ये चिप एक स्मार्टफोन की तरह भी काम करेगा और इंसान जब अपने ब्रेन फोन से 24 घंटे कनेक्टेड रहेगा, जो लोगों को बिजी रखेगा इंटरनेट की दुनिया में, जिससे असली दुनिया को कम्प्लीटली भुला दिया जाएगा। ह्यूमंस इतने टेक एडवांस हो जाएंगे कि वो सिर्फ साइंस पे यकीन रखेंगे और वो सवाल करेंगे कि क्या खुदा जैसी कोई चीज़ है।
उनकी सुपीरियोरिटी बढ़ने की वजह से वो खुद को खुदा समझना शुरू कर देंगे, जिसे न्यू वर्ल्ड रिलीजन न्यू एज नाम दिया गया है। इंसान खुद को खुदा मानना शुरू करेंगे। राइज ऑफ ह्यूमंस एज गॉड्स, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फ्यूचर का छोड़ो, प्रेजेंट की बात करते हैं। फेसबुक के फॉर्मर इंडियन ओरिजिन सीनियर एग्जीक्यूटिव चमक पलिहापितिया अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो फेसबुक के लिए काम करते थे तो वहाँ उन लोगों ने ऐसे टूल्स क्रिएट किए कि उन्हें पता था कि इसका असर लोगों पे बहुत बुरा होने वाला है, और आज वही टूल्स सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। वो जानते थे कि सोशल मीडिया लोगों के लिए एडिक्शन बन जाएगा, फिर भी उन लोगों ने इसका फायदा उठाया और आज चमत को इस बात पर बहुत अफसोस है। लोगों को समझने की जरूरत है कि वो इन डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स को अवॉइड करें। एलीट्स के प्लान्स जैसे प्लांट बेस्ड मीट जो दुनिया की आबादी को कम करेगा, न्यूरोलिंक या कोई भी ब्रेन चिप इम्प्लांट कैसे इंसानों को अंडर कंट्रोल रखेगा, ये सब इनके प्लान्स धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो लोग ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, हम आम इंसान ही ऐसे चीजों को एनकरेज कर रहे हैं। याद रखिए, ये सब इनोवेशंस इंसानों को अच्छाई से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्यूचर में ये ही टेक्नोलॉजी इंसान की बर्बादी की वजह बनने वाली है, लेकिन हम चाहे या ना चाहे टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहेगी, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं रोक सकता। ये अब हम पे है, हमें हमारे लाइफ का विजन स्ट्रांग रखना होगा ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारे बिलीव्स को कमज़ोर ना कर पाए। हम ऐसे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।